हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हम कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फिनॉल की, वो हम कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे जितने भी स्पेशल रिएक्शन है, बड़ी सारी नेम रिएक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे जो फेमस है ना, दो बड़ी फेमस रिएक्शन रहती है, एक रहती है कोल्ब्स रिएक्शन या कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन रहती है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, अभी ये रिएक्शन कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ जाती है। कन्वर्जन कैसे आ सकता है इसका? इसका कन्वर्जन आ सकता है कन्वर्ट फिनोल इंटू सैलिसल्डिहाइड। ये जो सैलिसल्डिहाइड है एक कॉमन नेम है, ठीक है, इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड, नहीं सैलिसिलिक एसिड, जो था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और डायमर डायमर रिएक्शन जो रिएक्शन आ सकती है, इसका कन्वर्जन आया हुआ है इसीलिए मैं कह रहा हूं आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। अल्कोहल फिनोल चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहती है, मतलब अगर हम कहते हैं ना किसी पे दाव खेल लें तो ये वो रिएक्शन है, कन्वर्ट फिनोल इंटू सैलिसल्डिहाइड। अभी इन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो सब मैं बता चुका हूं इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, वो आप लोग चेक करके ही आए होंगे। अब तो जल्दी निपटाते हैं बढ़िया से ट्रिक के साथ। तो देखिए आपके पास फिनोल है, फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, एंड उससे आप बना दो सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड OH CH। सिमिलरली इसमें बात करें तो ये है फिनोल से क्या बनाना है आप लोगों ने, सैलिसल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बात है। अभी आप फोकस करना कि मेन बात क्या है इन रिएक्शन में, कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है कि इन दोनों ही रिएक्शन में जो हम पहले रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं विद NaOH, ठीक है, फिर इस रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ और इस में हम कराते हैं CaCl3 के साथ, और लास्ट जो सेकंड स्टेप में आप कराओगे बाद में जो डालोगे वो डालोगे डायल्यूट HCl इसमें भी। सब कुछ सही है, फर्क क्या है, यहां पे CO2 है यहां पे HCl है, इसमें लगा है COOH इसमें लगा है CHO। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई हुई है भाई जो आपको हेल्प करेगी, कोल्बे की कार, कोल्बे की कार और रामू का आलू, रामू का आलू मोस्टली तो क्या आते हैं दोनों रिएक्शन इकट्ठी भी दे देते हैं, कोल्बे की कार रामू का आलू। कोल्बे की कार, कोल्बे की कार मतलब कोल्ब रिएक्शन में कार लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, रामू का आलू, रामू का आलू यानी डायमर डायमर में आलू एल्डिहाइड लगेगा, क्लियर है। तो यही है सिंपल सी हमारी कोल्ब रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। चलो ये दोनों रिएक्शन होगी, अभी दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है रिडक्शन ऑफ फिनोल और एक होती है महात्माओं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। रिडक्शन भी कर दो ऑक्सीडेशन भी कर दो, इनसे भी कन्वर्जन बन सकता है। देखिए जैसे कि आपके पास फिनोल है, फिनोल क्या होता है जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, इसको कुछ ऐसे बना लो, रिडक्शन करनी है, रिडक्शन कह सकते हो आप इसे, हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो, हाइड्रोजन जोड़ रहे हो ना, थ्री एच टू के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा ये सारे डबल सिंगल में बदलेंगे और वहां पे हाइड्रोजन लगेंगे एंड ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनेगा भाई? साइक्लोहेक्सेनॉल। टेम्परेचर लेना है, हीट कर दो। अगली बात है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है ये भी। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन ये है, ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको बता चुका हूं, नहीं याद है चलिए अब याद कर लेते हैं। तो एक बड़ा फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड ये अच्छे से काम करता है इन एसिडिक मीडियम। एक पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है,
PmNO4 वो तो किसी भी मीडियम में काम कर जाता है, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट कब काम करता है, जब आपका मीडियम एसिडिक होता है। तो क्या होगा बोलिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से यह, इसे बोलते हैं क्यूनोन। क्या बोलते हैं? क्यूनोन। सर ये कैसे हुआ? बताइए। यहां पे क्या हुआ है कि ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन हट गया, यहां से भी एक हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन जोड़ा, और वो दोनों हाइड्रोजन हट के क्या बनाएंगे? H2O बना लेंगे, ठीक है। और बॉन्ड तो हम कर ही लेंगे, देखिए सभी के बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और किसी के साथ हमने पंगे नहीं लिए। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। हाइड्रोजन जो हटा है, एक तो इस कार्बन से हटा है, एक इस ऑक्सीजन से हटा है, तो वो हमने H2 बना लिया। और यहां पे हमने सामने वाली पोजीशन पे, आपने पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिए हैं? ये कीटोनिक ग्रुप लगा दिए हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ कीटोनिक ग्रुप है, क्लियर है। तो ये है सिंपल से इसकी रिडक्शन, और ये है आपकी ऑक्सीडेशन। नोट कीजिए इसे। चलिए अभी दो और नई रिएक्शन देखते हैं। एक तो बड़ी फेमस है, आप सबकी प्यारी, कपलिंग रिएक्शन। कपल बनाने हैं, दो कपल लेने हैं इसमें, ठीक है। और एक है, ये आपने सुनी भी नहीं होगी, एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। वैसे ऑक्सीडेशन हम अभी करके आए हैं, ऑक्सीडेशन हमने अभी की है, बट अभी दोबारा करनी है, एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो कपलिंग रिएक्शन देखिए बड़ी फेमस रहती है, ये रिएक्शन है डाइजोनियम क्लोराइड की। वैसे इनकी ट्रिक अलग से भी देख लेंगे, और बनाई भी हुई आप लोग चेक कर सकते हो। डाइजोनियम क्लोराइड को आप लोग ट्रीट करोगे विद फिनोल, विद फिनोल। वैसे रिएक्शन ज्यादा अच्छे से आएगी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। एंड ये रिएक्शन आपने लेनी है अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में लेनी है, अल्कलाइन मीडियम जहां पे पीएच की वैल्यू है 9 to 10, पता है ना, 7 से इधर साइड एसिड होता है, 7 से इधर साइड बेस होता है। तो क्या होगा, ये H और ये Cl बाहर निकलेंगे, बाहर निकल गए, निकाल दीजिए H से Cl, H Cl बाहर निकल गया, यहां पे क्या बनेगा, बेंजीन N2 बेंजीन और OH। इसको एजोडाई टेस्ट भी बोलते हैं, ये फिनोल शो करता है, अल्कोहल शो नहीं करता। कई बार ऐसा रहता है कि आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करोगे अल्कोहल और फिनोल में, तो वहां पे ये हेल्पफुल रहती है। अब अगली बात करते हैं एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो सर ऑक्सीडेशन तो अभी करके आए, जस्ट अभी तो की थी, जिसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया था इन एसिडिक मीडियम। तो इसमें क्या है बच्चों, फोकस करना, इसमें आप लोग फिनोल लोगे, OH लोगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट, पर सल्फेट ही ऑक्सीडेशन होगी, पर सल्फेट लाइक पोटेशियम पर सल्फेट K2H2O8। और अगर आपको याद हो, जो हमने पोटेशियम डाइग्रोमेट लिया था अभी, वो एसिडिक मीडियम में लिया है, इसको आपने लेना है बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। जब आप सिंपल ऑक्सीडेशन करते तो क्यूनोन बनता है, क्या बनता है, क्यूनोन। और जब आप ये वाले ऑक्सीडेशन करोगे तो क्यूनोल बनेगा, OH OH। यहां पे तो कीटोन लगे थे ना, कीटोनिक ग्रुप लगे थे, इसमें क्या अल्कोहलिक ग्रुप लगेंगे, याद रखनी है बात। ये पैरा वाला बना है, एंड ऐसे ही ऑर्थो वाला भी आप लोग बना दोगे, होती है बात क्लियर। देखिए एक आपकी कपलिंग रिएक्शन, जिसमें आपने डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया फिनोल के साथ, इसका H हर जगह पे H लगा होता है ना, इसका H, इसका Cl आपने बाहर निकाला, इसको जोड़ दिया बेंजीन N2 बेंजीन OH, ठीक है। फिर आपकी एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन है, क्या होता है इसमें, आप लोग फिनोल लोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट K2H2O8, और वो आपने लेना है अल्कलाइन मीडियम। इससे पहले जो सिंपल ऑक्सीडेशन करवा के आए हैं वो थी इन एसिडिक मीडियम, ये है बेसिक मीडियम में। तो आपका क्या बनेगा, क्यूनोल बनेगा, इसे कैटिकोल बोल देते हैं, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग। चलो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली देखते हैं रिएक्शन, ठीक है, कि फिनोल के आप लोग रिएक्शन करोगे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड आपका एलिफैटिक हो सकता है, आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। चलिए
समझते हैं इस बात को। लाइक यहाँ पे है फिनॉल, बेंजीन के साथ लगा है OH, फोकस करना यहां से। अभी आपकी एक नेम रिएक्शन लिख के आएगी और ट्रिक भी आएगी उसकी, ठीक है। चलो तो एसिड क्लोराइड है RCOCl, तो ये Cl भैया जुड़ेगा इसके H के साथ फिनॉल के, माइनस होगा HCl, तो जरूरी है कि आप जब एक एसिड निकाल रहे हो तो बेस के साथ रिएक्शन करो, है ना। बाकी एक बात बताऊं, NaOH के साथ नहीं होती है, पिरिडीन होता है, पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। स्ट्रक्चर पता है पिरिडीन का कैसे होता है, बताया भी मैंने लास्ट यूनिट में, कुछ इस तरह से, ठीक है। C5H5N, और यहां पे क्या बचेगा, बेंजीन O CO R, बेंजीन O CO R, ये तो हो गया। चलो आपने एलिफैटिक ले लिया, अगर ऐसे ही आप फिनोल की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, एरोमेटिक के साथ, या बेंजोइल क्लोराइड कह सकते हो, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बोले तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाया, COCl लगा, तो क्या होगा बच्चों बताइए। यहां से आपका बाहर निकलेगा H, यहां से बाहर निकलेगा Cl, वो तो फिक्स है। हाँ, यहां पे जो आप बेस लोगे वो लोगे NaOH, इस रिएक्शन में बेस लेना है NaOH, तो HCl बाहर निकला, HCl बाहर निकला तो क्या होगा, बेंजीन O CO बेंजीन, ये एस्टर बन गया, और एस्टर का साली ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर कराया हुआ है, और जरूर देख लो नोमेनक्लेचर आएगा आपका, ठीक है, चेक कर सकते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर बाय भारत पंचाल करके, छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, और उन छोटी में भी मतलब 15-20 मिनट की वीडियो में भी सब कुछ मिलेगा। चल तो ये है फिनोल, तो आप क्या कह सकते हो, फिनोल बड़ा बीसी है, फिनोल बड़ा बीसी है, पता है ना, बड़ा बीसी है, बीसी मतलब बेंजोइल क्लोराइड। सर ये क्यों ट्रिक निकाल रहे, है तो गंदी बट याद रखो इसका, ये जो नेम रिएक्शन है कौन सी है, स्कोटन बोमैन, ऐसे बोलते हैं स्कोटन बोमैन रिएक्शन, चांसेस कम है बट उन कम में भी याद करनी है, और याद हो भी जाएगी। स्कोटन बोमैन में क्या याद रखोगे, फिनॉल बड़ा बीसी है, क्लियर। तो क्या होगा इसका एच, इसका सीएल बाहर निकलेगा, इनकी प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन होगी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, यहां पे आप लोग आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, CH3, तो यहां पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाने वाला है, क्लियर है। स्पीड नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग जल्दी। अच्छा अभी दो तीन रह गए हैं फिर खत्म करेंगे, और ये दो तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए यार कि क्या फिनोल से बेंजीन बना सकते हो, फिनोल से बेंजीन, फिनोल से बेंजीन बना सकते हो या नहीं, फिनोल है जी ये OH, बेंजीन है जी ये, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, यहां से O निकला है, तो इस रिएक्शन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद जिंक डस्ट, इसे बोला भी जाता है फिनोल की रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो क्या होगा, ये जिंक इसके ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलेगा, और ये बेंजीन आपका ऐसे का ऐसे बच जाएगा, क्लियर है। गर्म भी कर लेना भाई, कुछ बाहर निकालना चाह रहे तो। अच्छा एक होता है रिएक्शन विद अमोनिया, पता है ये आपको ना, वैसे मैं इनको समअप भी कराऊंगा, समअप मतलब जब इसका वन शॉट आएगा ना, बहुत जल्दी आने वाला है वन शॉट इसका, एक या दो दिन का वेट कर लो, वन शॉट में बहुत जल्दी कराऊंगा। तो जैसे ना फिनोल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यार क्या हो सकता है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन कराओ अमोनिया, अमोनिया बोले तो NH3 है ना, NH3 को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ना भी चाहोगे तब भी लिखना ही पड़ेगा, HHH, अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि भाई अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, यहां से H और OH को बाहर निकाल लेंगे, क्या बनेगा बाहर, H2O। सर ये क्या बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना दिया, ये बना दिया हमने एनिलीन। अगर आप हर एक चैप्टर को डीप में देख लोगे ना, कोई कन्वर्जन कभी गलत नहीं होगा, क्या बन गया है ये, एनिलीन। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अगला देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है सब, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई दे रहा है ना भाई,
चलिए तो क्या होगा, ये है आपके पास फिनोल, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी R Mg X के साथ। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट फिनोल इनटू इथेन, कर सकते हो, क्या करो इसका आर एच बाहर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा ये आर एच और यहाँ पे बेंजीन ओ एम जी एक्स बन जाएगा, क्लियर है ना। और बस यही है सिंपल ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ इसको ऐसे खत्म कर सकते हो, ग्रिग्नार रिएजेंट से आप सिंपल हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो। मैंने आपको बोला था ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन हर एक जगह आएगी, क्या हुआ है इसका आर इसका एच बाहर निकले आर एच बन गया और ये बेंजीन ओ एम जी एक्स बन गया है आपका। तो चलिए ये थी इसकी कुछ स्पेशल रिएक्शन, सारी की सारी खत्म हमने कर लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से ज्यादा ही करवाइए ठीक है, और फिर एक दो ज्यादा इम्पोर्टेंट बचेंगी जो रह गई आपको लगता है मिसिंग है वो वन शॉट में कर लेंगे। तो बस अब आपको वीडियो देखने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिविजन पे पूरा फोकस करो ठीक है, जुट जाओ मेहनत करने में, बहुत कम टाइम बचा है, यही टाइम है बेस्ट वाला जो आपको जुटना है, ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो को शेयर करना है पता ही होगा, लाइक भी करना है, कमेंट करके बताना है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।